दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सी फॉर मी। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक ब्लाइंड लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सोफ़ी। सोफ़ी अपना बैग पैक करती है और अपने नए जॉब के लिए जा रही थी, जहां पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे पास $4,500 कैसे आए। सोफ़ी उनसे झूठ बोल देती है कि ये पैसे उन्हें पुरानी जॉब के टिप पर मिले थे। अब सोफ़ी टैक्सी में बैठकर अपने नए जॉब के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसकी मॉम उसे बताती हैं कि उन्होंने उसे एक ईमेल भेजी है और वो एक ऐप के बारे में है जिसका नाम है सी फॉर मी। वो ऐप तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब सोफ़ी उस घर में पहुंच जाती है। असल में सोफ़ी का काम इस घर का देखभाल करना था। ख़ास तौर पर वहाँ पर एक कैट थी जिसका उसे ख्याल रखना था, क्योंकि वहाँ की ओनर जिसका नाम डेबरा था वो कुछ दिनों के लिए वहाँ से बाहर जा रही है। डेबरा के जाने के बाद सोफ़ी वॉइस फंक्शन का यूज़ करते हुए अपने दोस्त कैम को फ़ोन करती है और उसकी मदद से वो एक बार पूरे घर को अच्छे से समझने की कोशिश करती है, जैसे कि उसे ज़रूरत पड़ने पर कहाँ जाना चाहिए और कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। ऐसा करती हुए एक दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ पर बहुत महंगी महंगी वाइन्स रखी हुई थी। सोफ़ी उनमें से एक वाइन चुरा लेती है। उसका दोस्त उसे मना करता है और उसे कहता है कि तुम्हें इन्हें बेचने के लिए मेरी मदद चाहिए होगी, लेकिन मैं थक गया हूँ पुलिस से बचते हुए, तो मैं तुम्हारे इस चोरी में तो मदद नहीं कर सकता। और पुलिस को भी तुम पर शक नहीं होता क्योंकि तुम अंधी हो। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सोफ़ी अपने जॉब करते वक्त चोरी किया करती थी। यहाँ पर इन दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर बाद डेबरा वो उसे सिक्योरिटी अलार्म ऑन करने के लिए कहती है। सोफ़ी गलती से बाहर आ जाती है और घर का गेट लॉक हो जाता है। अब चूँकि वो अपने दोस्त पर गुस्सा थी तो वो उसे कॉल भी नहीं कर सकती थी, तो वो अपने मॉम के बताए हुए ऐप सी फॉर मी को यूज़ करती है। अब सोफ़ी कॉल करती है जहाँ पर एक लड़की उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। वो उसे घर के अंदर जाने का एक दूसरा दरवाज़ा बताती है। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक स्लाइडिंग डोर मिलता है। सोफ़ी उस डोर को ओपन करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो अलार्म बजने लगता है, इसलिए सोफ़ी जल्दी से वो अलार्म बंद कर देती है और वो कैली को जो सी फॉर मी से ऐप से उसकी मदद कर रही थी उसे शुक्रिया करती है। अब रात में जब सोफ़ी सो रही होती है तब उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। असल में उसके घर में दो चोर घुस गए थे। वो पेंटिंग के पीछे छुपे हुए लॉकर को ढूंढने के लिए आए थे। अब सोफ़ी रूम से बाहर निकलकर सबसे पहले बिल्ली को डिजिटल बेल्ट के ज़रिए ढूंढती है। फिर वो जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ जाने लगती है और वहीं पर एक आदमी को उस पर शक हो जाता है। उसे लगने लगता है कि इस घर में कोई और भी है, इसलिए वो इस घर को सर्च करना शुरू कर देता है। सोफ़ी बहुत डर जाती है तो वो पुलिस को कॉल करती है और इसके तुरंत बाद ही वो कैली को फिर से कॉल करती और उसे सारी सिचुएशंस बताती है। कैली उसे फिर से गाइड करने लगती है, लेकिन घबराहट भी होने की वजह से सोफ़ी उसकी बात नहीं सुन रही थी और वो बाहर की तरफ आ जाती है। ऐसे में वो चोर उसे पकड़ लेता है और उसका फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर टोटल 3 आदमी थे। इनका हेड सोफ़ी का फ़ोन चेक करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि इस लड़की ने थोड़ी देर पहले पुलिस को कॉल किया था और पुलिस यहाँ पर थोड़ी देर में तो पहुँच ही जाएगी। उनमें से एक कहता है कि ना सोफ़ी को मार दे क्योंकि इसने हमारा चेहरा देख लिया है। इस पे से सोफ़ी कहती है कि वो देख नहीं सकती, तो वो इस बात को कन्फर्म करते हैं कि क्या सच में सोफ़ी ब्लाइंड है। इसलिए उनका हेड उन्हें कहता है कि इसे छोड़ दो और हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि पुलिस यहाँ पर आने ही वाली होगी। इस पर से सोफ़ी कहती है कि मैं पुलिस को वापस भेजने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इन पैसों में से मुझे एक शेयर देना होगा और वो उनसे धोखा नहीं करेगी। इस बात का सबूत के लिए वो उन्हें अपना बैग चेक करने के लिए कहती है क्योंकि उसने उस घर में से एक वाइन चोरी की थी। वही हम दूसरी तरफ कैली को देखते हैं जिसने पुलिस को सोफ़ी का लोकेशन सेंड कर दिया था और उसकी सारी सिचुएशन भी बता दी थी कि एक ब्लाइंड लड़की खतरे में है। इसके तुरंत बाद सोफ़ी पुलिस को कॉल करती है और वो उन्हें बताती है कि ये एक टीवी की आवाज़ थी, लेकिन इसके बावजूद एक ऑफिसर घर आ जाती है ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सोफ़ी हर तरह से कोशिश कर रही थी उन्हें ये बताने की कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ऑफिसर वहाँ से जाने ही वाली होती है तो उसे कैली की कंप्लेन मिलती है। वो फौरन ही घर में वापस आ जाती है। तभी एक चोर उसके सामने आ जाता है, लेकिन इसी दौरान वो दो और चोर बाहर आ जाते हैं और वो लेडी ऑफिसर को शूट कर देते हैं, जिससे वो लेडी ऑफिसर वहीं पर मारी जाती है। लेकिन इस ऑफिसर ने मरने से पहले अपनी टीम को कॉल कर दी थी
जिससे सोफी बहुत डर गई थी, तो वो उसकी गन लेकर अपने रूम में चली जाती है। तो वो फिर से कैली को कॉल करती है क्योंकि उसे पता था कि वो चोर उसे मार देंगे। कैली उसे एक ही जगह रुकने को कहती है और उससे चोरों का वेट करने के लिए कहती है जब वो ऊपर आएंगे। अब जैसे ही उनमें से तो कैली की मदद से सोफी उसे शूट कर देती है। इसके बाद सोफी बेसमेंट चली जाती है और वहाँ पर फिर से एक और चोर आता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से सोफी उसे शूट नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद कैली फिर से कनेक्ट हो जाती है तो वो इसे भी मार दे रही है। कैली सोफी से कहती है कि अब आखिरी आदमी बचा है और वो ड्रिल कर रहा है। कैली उससे कहती है या तो तुम उसे मार दो या फिर पुलिस का वेट करो, क्योंकि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि फ़ोन बंद होने वाला है। इसके बाद सोफी तुरंत उस तीसरे आदमी के पास आता है जो उसे कहता है कि मुझे मत मारो, मैं अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी इसमें से पैसे ले लो और चली जाओ। इतने में फ़ोन डेड हो जाता है। सोफी उस आदमी को जाने से मना करती है, लेकिन वो ऑफिसर की रखी हुई पास के गन को उठाता है और चलाने ही वाला होता है कि सोफी उसे भी मार देती है। इसके बाद इन सभी चोरों का मेन हेड आता है जो कि असल में डेबरा का एक्स हस्बैंड था। वो सोफी को आवाज़ देता है कि सोफी बाहर आओ और हम दोनों पैसों को बांट लेंगे, लेकिन सोफी पूरे घर के लाइट्स ऑफ कर देती है। अब वो आदमी गन लेकर सोफी को ढूंढने लगता है। सोफी उससे बचने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसके पैर पर एक गोली लग ही जाती है। वो फौरन वहाँ से ऊपर की तरफ आती है और किसी का फ़ोन लेकर वो फिर से इस घर के फोनर के एक्स हस्बैंड को कॉल करती है, जिससे उसे पता चल जाए कि वो कहाँ पर है। और जैसे ही फ़ोन रिंग करता है वो गन लेकर उस तरफ शूट कर देती है। यहाँ पर सोफी को लग रहा था कि उसने उसे मार दिया, लेकिन वो पीछे से सोफी को पकड़ लेता है और वो आदमी उसका गला दबाने लगता है। सोफी पास में पड़ी एक वाइन्स को उठाकर उस आदमी के सर पर मारती है। वो उसे मारती रहती है तब तक जब तक वो मर ना जाए। ऐसे वो आदमी तो मर जाता है। अब सोफी भी धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। अब सीन स्विच होता है और कुछ महीने बीत जाते हैं, हम जहाँ पर सोफी को उसके मॉम के साथ देख पाते हैं और वो ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, और यहाँ पर कैली और कैम उसे गाइड करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए।